नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं बोहरी कब्रिस्तान वसई गांव कोचीवड़े में। यहां हमारे साथ एडवोकेट राहुल त्रिपाठी जी है, जो आज यहां पर एक इस कब्रिस्तान की ज़मीन, ट्रस्ट की ज़मीन का मोजनी था, सर्वे था, उस सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ आज। आज आप यहाँ आए हैं, क्या विषय है? दाऊदी बोरा कब्रिस्तान जो है, ये ट्रस्ट की जो लैंड थी उस पर एनक्रोचमेंट हुआ था, और वो एनक्रोचमेंट कितना था, क्या था, वो फाइनल नहीं हुआ था। उसलिए हमने TLR करवाए हैं। आज शांतिपूर्वक TLR कंप्लीट हो चुका है। TLR की रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कितना एरिया इनक्रोच है। नियर अबाउट 11-12 से या 13 बंगले जो है वो अनधिकृत कब्रिस्तान के लैंड पे बांधे गए हैं, और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उसके अंदर जो भी है आगे लीगल एक्शन और कायदे की कार्रवाई हम करेंगे। सर, ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा है कि पहले भी यहाँ TLR होने की कोशिश की, तो काफ़ी बार यहाँ TLR होने की कोशिश की, मगर जिनका एनक्रोचमेंट था, जिन्होंने अनधिकृत बंगले के बांधकाम किए हैं कब्रिस्तान के लैंड पे, उनका हमेशा विरोध था। इस बार पुलिस प्रोटेक्शन भी लिया गया और शांतिपूर्वक पुलिस के सहकार्य से और सबसे सर्वे कंडक्ट किया गया है। और आज ये सर्वे कंप्लीट हुआ? आज सर्वे कंप्लीट हुआ है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट एरिया इंक्रोचमेंट का मालूम पड़ जाएगा। आगे की सर आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे एरिया मालूम होने के बाद किन के घर एनक्रोच हुए हैं, जैसा भी रहेगा उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे, प्रोडक्ट कार्रवाई वगैरह करने का। ओके, थैंक यू। तो ये एडवोकेट साहब ने अभी बताया कि किस तरह से यहाँ ट्रस्ट की ज़मीन के ऊपर अवैध तरीके से बंगले बांधे गए हैं, और उसका आज TLR हुआ था। इसके पहले भी कुछ बार TLR की कोशिश की गई, लेकिन तब TLR सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, कई ऐसे कारण थे। लेकिन आज पुलिस बंदोबस्त था, पुलिस ने काफ़ी बेहतर अच्छी तरीके से यहाँ कायदे और कायदा सुव्यवस्था रखने की में काफ़ी बेहतरीन काम किया पुलिस ने, और यहाँ के लोगों ने भी सहकार्य किया, और दोनों तरफ से शांतिपूर्वक आज ये TLR यहाँ से यहाँ पर हुआ है। अब TLR होने के बाद, जैसा भी वकील साहब ने कहा कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, बंगले बांधे गए हैं, तो उसका पूरा रिपोर्ट तो जो TLR का रिपोर्ट आएगा उसमें मालूम पड़ेगा, और भविष्य में ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या कुछ इसमें इंक्रोचमेंट है। आज के लिए हम अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।